शीर्षक, जो ही रुख करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। महिला आरक्षण के विरोध में 30 जून को जयपुर में युवाओं ने महाआंदोलन की चेतावनी दी है। अब इस कड़ी में पूरे प्रदेश में युवाओं से संपर्क साधा जा रहा है। आज भी भरतपुर में युवाओं ने बड़ा विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा, साथ ही 30 जून को जयपुर में बड़ी संख्या में पहुंचने की बात कही। राजधानी जयपुर को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए इस समय पीला पंजा जमकर गरज रहा है। आज भी मानसरोवर में JDA की कार्रवाई जारी है। JDA की ओर से करीब 700 से ज्यादा अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया, जिनमें से आज करीब 130 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आदिवासियों की DNA चेक करवाने को लेकर जो बयान दिया था, उससे खड़ा हुआ विवाद दूर दूर तक थम नहीं रहा। ऐसे में आज भारतीय आदिवासी पार्टी के संस्थापक और डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा आदिवासियों के प्रति गंदी मानसिकता से DNA टेस्ट को लेकर दिए गए बयान के विरोध में मंत्री के जयपुर स्थित सरकारी आवास पर 29 तारीख को सुबह 11 बजे ब्लड सैंपल देने पहुंच रहा हूं। प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ आज बांसवाड़ा शहर में कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छोटी सरवन ब्लॉक अध्यक्ष अंकित निन्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रैली के रूप में कलेक्टर चौराहे पहुंचे और मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मंत्री द्वारा जो बयान कुछ दिन पहले दिया था उसका विरोध किया। कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री से मंत्री के इस्तीफे की मांग की। झलावाड़ कोलाना एयर स्ट्रिप पर अब जल्द ही बड़े विमान उतर सकेंगे। एयर स्ट्रिप पर नागरिक उड्डयन विभाग के दिल्ली से आई टीम ने यहां के रनवे की जांच की, साथ ही टीम ने रनवे के टॉप लेयर के साथ यहां चल रहे काम का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान टीम चंडीगढ़ से ट्रक में लाई गई विशेष कार से रनवे का घर्षण परीक्षण किया गया। इस कार से रनवे की टेस्टिंग की गई। नीट पेपर लीक केस में अब CBI बड़ी मछली की तलाश में जुट गई है। जांच एजेंसी का मानना है कि नीट का पेपर लीक कराने में लेकर अलग अलग राज्यों में फैलाने तक का किसी एक ही शख्स का काम है। CBI नीट पेपर लीक केस के सरगना संजीव मुखे के अलावा NTA से पेपर लीक कराने वाले मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसके लिए बाकायदा आरोपियों के तार से तार जोड़े जा रहे हैं। संसद में राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान विपक्षी दलों ने नीट पेपर लीक मुद्दे को राष्ट्रपति द्वारा जिक्र होने पर शोर मचाया। इसके अलावा जब राष्ट्रपति ने 1975 की इमरजेंसी का जिक्र किया तो एक तरफ जब सत्ता पक्ष के सांसद शेम शेम करके विरोध करने लगे तो दूसरी ओर इमरजेंसी का जिक्र करने पर कांग्रेस सांसदों ने नाराजगी जाहिर की। आपातकाल पर राष्ट्रपति के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि आपातकाल एक काला दिन था, उस दिन को याद रखना जरूरी है क्योंकि कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी और आज वो संविधान की प्रतियां लेकर घूम रहे हैं। लोगों को समझना चाहिए कि संविधान को कोई खतरा नहीं, अगर कोई खतरा है तो वो उन लोगों से जो 1975 में थे। नीट UG 2024 में हुई धांधली को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस याचिका को भी मूल याचिका के साथ टैग कर दिया। ये याचिका एक कोचिंग सेंटर की ओर से दायर की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट कर लिखा, यह तस्वीर तानाशाही के खिलाफ संघर्ष की है। अरविंद केजरीवाल झुकेगा नहीं, जितना मर्जी अत्याचार कर लो। ED कोर्ट से जमानत के बाद CBI की गिरफ्तारी BJP के इशारे पर CBI का खुला दुरुपयोग है। आप जिस तरह से अदब सियासत भूले, आपका नाम भी जालिम में लिखा जाएगा। आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू हूँ। शुक्रिया।